What's up guys, welcome to another video of Automation India. आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नई वाली सिलेरियो का वेट कर रहे होंगे, उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग जरूर होंगे जो अभी करंट जनरेशन की सिलेरियो को परचेज करना चाहते हैं। मेरे पास ये जो कार है जो आप वही वीडियो में देख रहे हो, मेरे पास सिलेरियो की कंपनी फिटेड सीएनजी कार है जिसको अब लगभग पूरे 4 साल होने वाले हैं। सो आज की वीडियो में बात करूंगा मैं इसके टॉप 5 फीचर्स के बारे में जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है और आपको जानने सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप ये सिलेरियो लेना चाहते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला फीचर जो मेरे को इस सिलेरियो का पसंद है वो इसके बूट स्पेस को लॉक और अनलॉक करने का फीचर। अगर मैं यहाँ से लॉक करता हूँ तो बूट स्पेस लॉक हो जाता है, और अगर मैं यहाँ से अनलॉक करता हूँ तो बूट स्पेस अनलॉक हो जाता है। चेक करने के लिए मैं आपको दिखा दूँ, मेरे को कार के अंदर भी नहीं जाना पड़ा और बूट स्पेस ओपन हो गया जस्ट की से। अगर मैं इसको बंद करता हूँ और लॉक कर देता हूँ तो बूट स्पेस लॉक हो गया, ये ओपन नहीं होगा। ये सबसे बढ़िया फीचर लगता है मेरे को इस सिलेरियो का। इसी के साथ बूट स्पेस से रिलेटेड जो दूसरा फीचर मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है, आपने नॉर्मली कार्स में देखा होगा कि यहाँ नीचे की तरफ आपको बूट स्पेस ओपन करने का सिस्टम दिया जाता है, लेकिन सिलेरियो में नहीं है। सिलेरियो में आप बूट स्पेस को डायरेक्ट इस स्विच से ओपन और लॉक कर सकते हो। अगर मैं इसको बंद करूँगा तो बूट स्पेस बंद हो गया है, अगर मैं इसको अनलॉक करूँगा तो बूट स्पेस भी अनलॉक हो गया है। ये मेरे को बहुत अच्छा फीचर लगता है उस टाइम पे जब ड्राइवर बैठा हुआ है ड्राइवर सीट पे और पीछे कुछ सामान रखना है, तो ड्राइवर को ना तो उतरने की ज़रूरत है ना ही नीचे झुकने की ज़रूरत है, उसको बस उस बटन का इस्तेमाल करना है, उसको बस उस स्विच का इस्तेमाल करना है और बूट स्पेस ओपन हो जाएगा। तीसरा जो सबसे बढ़िया फीचर लगता है मेरे को इस सिलेरियो का वो है इसका स्प्लिट सीट का ऑप्शन। इसकी सीट दो हिस्सों में डिवाइडेड है। अब सीएनजी कार में स्पेस की बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इस सिलेरियो में बस आपको ये ऊपर की तरफ पुल करना है और ये सीट हाफ में फोल्ड हो जाएगी। एक बंदा अभी भी आराम से बैठ सकता है, अगर छोटे बच्चे हैं तो दो बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ इस एरिया में, मैं दूर से दिखा देता हूँ, इस एरिया में आप पूरा सामान रख सकते हो। ये रहा सीएनजी सिलेंडर, पीछे इतना स्पेस नहीं बचता है, बट इस फीचर की वजह से आप अपना सामान बहुत अच्छी तरीके से रख सकते हो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस वाली साइड को नीचे की तरफ फोल्ड कर सकते हो, आप उधर वाली साइड को भी फोल्ड कर सकते हो। मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ, पहले मैं इसको एक बार ऊपर कर देता हूँ। ऊपर करने के लिए बस आपको ऐसे करना है और ये लॉक हो गई, अब ये नीचे नहीं आएगी, ये लॉक हो गई है। अभी मैं उस वाली साइड जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक बार। अगर आप इस वाली साइड को नीचे की तरफ फोल्ड करना चाहते हैं बहुत ईजी है, यहाँ पे भी हुक दे रखा है, बस आपको इस हुक को पुल करना है और ये नीचे आ जाएगी। ये ज़्यादा स्पेस क्रिएट करता है अगर आपको सिर्फ कोई एक बंदा बैठना है, मतलब एक ड्राइवर, एक पैसेंजर और एक पीछे। अगर तीन बंदे बैठने वाले हैं तो ये सीट आप फोल्ड कर सकते हो और स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, आप अपना जो भी सामान रखना चाहो रख सकते हो। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर लगता है मेरे को सिलेरियो का कि आप दोनों में से जो भी सीट चाहो उसको फोल्ड कर सकते हो। अब अगर आप सिलेरियो कंसीडर कर रहे हैं लेने का और आप कंपनी फिटेड ही सब कुछ करवाते हैं तो उस कंपनी फिटेड में आपको ये माइक जरूर मिलेगा जो कि इसके एसेसरी के पैक में आता है। ये जो माइक है ये बहुत ही शानदार माइक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप इससे अपने फ़ोन पे बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, मेरे को कोई भी इशू आज तक इस माइक में नहीं आया है। बहुत ही अच्छा माइक है और 4 साल हो गए मेरे को इस गाड़ी को चलाते हुए, लेकिन ये माइक मुझे अच्छा लगा। हालांकि कंपनी ऐसी कोई सच मेंशन नहीं है इस पे, बट जो भी मारुति प्रोवाइड कर रही है ये वाला माइक, ये मेरे को काफ़ी पसंद आया। अब जब सीएनजी कार लिए तो एसी की बात करना तो बनता है। ये इसका 5th फीचर है जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है। इस कार का एसी बहुत ही बढ़िया है। 5 लोग भी अगर आपकी कार में बैठे हैं तब भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि कार का एसी कम ठंडा कर रहा है या कार का एसी उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। इस कार का एसी बहुत अच्छा। अगर मैं इस एसी के ब्लोअर की आवाज आपको सुनाऊं फुल पे करके, सो आई थिंक आपको आवाज आ रही होगी। और काफी अच्छा एसी है और सीएनजी पे परफॉर्म करता है। अभी मेरी कार सीएनजी पे ही है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मेरी कार अभी सीएनजी पे ही है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इस एसी की। एक सीएनजी कार को देखते हुए ये एसी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सो गाइज, ये थे सिलेरियो के टॉप 5 फीचर्स जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है। और अगर आप इस सिलेरियो को कंसीडर कर रहे हैं लेने के लिए, सो इन फीचर्स के बारे में आपको जानना जरूरी था। अब एक बोनस पॉइंट मैं आपको जरूर बता दूं यार, इस कार का एवरेज बहुत अच्छा है। चाहे आपने 5 लोग बिठा रखे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपने कम लोग बिठा रखे हो तब तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन 5 लोग में भी इस कार के ना पिकअप में कोई दिक्कत आती है, ना माइलेज में कोई दिक्कत आती है,
बहुत अच्छा एवरेज ये कार दे देती है। अगर हाईवे की बात करूं तो 28 टू 29 हाईवे पे मेरे को इजीली मिल रहा है, और सिटी में 26 टू 27 मेरे को मिल रहा है। जब ये शुरुआत में आई थी कार तब कभी मेरे को 30 भी मिला था, 30 का एवरेज मिला था, लेकिन अभी 28 टू 29 तक रहता है हाईवे पे। सो एवरेज के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है इस कार में। जब मैंने ये कार ली थी तो मैंने इस कार में जो भी फिटिंग करवाई थी, चाहे सीट कवर हो, चाहे इसका पूरा एसेसरी का पैकेज हो, वो सब मैंने कंपनी की तरफ से ही लिया था। सो अगर आप ये चाहते हो कि इसमें जो म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है मैं उसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि वो किस तरीके से काम करता है, क्या क्या उसमें फीचर्स हैं, तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक वीडियो उसके ऊपर जरूर बना दूंगा। क्योंकि अगर आप कंसिडर कर रहे हैं कंपनी से लगवाने के लिए तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यही सिस्टम मिलेगा जो अभी भी कंपनी के पास है। सो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना अगर आप उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हो, उसकी वीडियो मैं जल्दी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। सो दैट्स इट गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज इट्स मी एस त्यागी। अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलूंगा आपसे नई वीडियो में।